सबसे पहले आज हम सब के लिए एक भाव क्षण भी है और एक ऐसा क्षण भी जब भारत माता के एक महान सपूत को हम स्मरण करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत की राजनीति का एक उभरता हुआ चेहरा और सचमुच जिनके अंदर भारत ने बहुत कुछ संभावनाएं देखी थी, ऐसे सिमंत माथुर और सिंधिया जी, कौन ऐसा भारतीय रहा होगा उस दौरान 2001 की उस त्रासदी के दौरान जब जिन्होंने भी एक समाचार सुना, एक दुखद समाचार सुना था, उनके मुंह से विनम्र श्रद्धांजलि और नमन के शब्द न फूटे हो, राजनीति की दीवारों को तोड़ करके हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर राजनीतिक दलों के लोगों ने उस समय इस दुखद घटना पर अत्यंत दुख की अनुभूति करते हुए उस महान सपूत को अपने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की थी। आज जब उनकी मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से श्रीमंत माथुर और सिंधिया जी को उनके मूर्ति अनावरण के अवसर पर स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री और श्रीमंत माधव राव सिंधिया जी की इस विरासत को जन जन तक पहुंचाने वाले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मैं मैनपुरी वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के हमारे तमाम मंत्रीगण यहां उपस्थित हुए हैं, मैं उन सबका भी और मध्य प्रदेश से आए हुए हमारे सभी अतिथि पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का भी मैं, जिनका श्रीमंत माधव और सिंधिया जी से, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ मध्य प्रदेश से अटूट संबंध है, उन सबका भी मैं आज मैनपुरी की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज यहां पर 238 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं के साथ ही 173 करोड़ रुपए की 40 अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर सभी परियोजनाओं के लिए मैनपुरी के सभी नागरिकों को, आप सभी उपस्थित माताओं बहनों को, नौजवानों को इन योजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, आप सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत की राजनीति में श्रीमंत माधव और सिंधिया जी का नाम बहुत शानदार तरीके से, गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। सौभाग्य है कि मुझे उनके सानिध्य में उनके साथ सांसद के रूप में कुछ दिनों तक कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ था। संसद में उनका मिलनसार स्वभाव, अपनी सहजता, अपनी सरलता और प्रत्येक दल के लोगों के साथ दलीय सीमाओं से उठ करके एक सहयोग करने का भाव, वह हमें 1998 से लेकर के 2001 के बीच में देखने और सुनने को उस दौरान मिला था। हम सब जानते हैं कि एक बार नहीं, 9 बार देश की संसद में माननीय सांसद के रूप में वे लगातार चुने गए, केंद्रीय मंत्री के रूप में यानी